अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि पालक आलू की सूखी सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, मैंने इन्हें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है। तो आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगेगी तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाना है। तो पालक आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पालक। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम लिया है पालक, जिन्हें अच्छे से धो के इनका पानी छलनी में छान के इन्हें अच्छे से सुखा के इनको मैंने एक बोल में ले लिया है। और मैंने यहाँ पे लिया है आलू, 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं मैंने, जिन्हें मैंने भिगा के रखा है ताकि ये काले ना पड़े। और मैंने यहाँ पे लिया है हरी मिर्चें, 5 हरी मिर्चें मैंने ली हैं जिन्हें बारीक कट कर लिया है। और मैंने यहाँ पे लिया है सोया, सोया मैंने लिया है 25 ग्राम। और मैंने यहाँ पे 2 चुटकी लिया है हींग और 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लें। और मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है 1/2 टीस्पून। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल को अच्छी तरीके से गरम कर लिया है और अब मैं इसमें डालूँगी हींग और ज़ीरा और इन्हें 30 सेकेंड तक हमें फ्राई कर लेना है। और अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च, हरी मिर्च भी हमें 30 सेकेंड तक फ्राई कर लेना है और फ्लेम हमें लो ही रखना है, वरना जो हमारे मसाले हैं ये जल जाएंगे। हमें लो फ्लेम पे ही इन्हें करना है, भुनना है 30 सेकेंड तक। तो बस ये हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू और आलू को डालते ही मैं इसमें डाल दूँगी नमक। नमक का इस्तेमाल मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ ताकि जो हमारे आलू हैं वो जल्दी पक जाएं, क्योंकि हमारे जो पालक है उन्हें पकने में वक्त नहीं लगेगा और आलुओं को गलने में वक्त लगता है, इसलिए मैंने आलुओं को पहले ही डाल दिया है और नमक भी डाल दिया है। और अब मैं इन्हें ढक के पकाऊंगी। 3 से 4 मिनट हो गया है तो मैं इन्हें खोल करके चेक कर लूँगी और अब मैं इन्हें चला लूँगी। तो जो मेरे आलू हैं वो अब बहुत हद तक जो है हो गए हैं, बाकी हम पालक के साथ गला लेंगे। तो मैं यहाँ पे पालक डाल रही हूँ और मैं इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी आलूओं के साथ। और पालक डालते ही मैंने फ्लेम को कर दिया है हाई, क्योंकि हमारे पालक से जो है पानी अभी निकलेगा, इसलिए मैंने इन्हें हाई फ्लेम पे रखा है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी सोया को और फ्लेम हमें हाई ही रखना है अभी भी, और इनको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और हाई फ्लेम पे मैं इन्हें भून रही हूँ। 2 से 3 मिनट हो गया है और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पानी जो है पालक के वो अलग हो गए हैं, पालक से पानी जो निकल गए हैं। और अब हम जो है पालक को ढक करके हाई फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि इसमें पानी भी जलना चाहिए, इसलिए हम इन्हें हाई फ्लेम पे ढक करके पकाएंगे। 5 मिनट हो गया है तो अब मैं इन्हें खोल करके चेक कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पानी अभी भी पूरी तरीके से नहीं सूखे हैं और आप देख सकते हैं कि जो हमारे पालक हैं वो बिल्कुल हाफ क्वांटिटी में हो गए हैं। पालक जो है वो पहले ज़्यादा दिखते हैं पर जब वो पकते हैं तो उनकी क्वांटिटी बिल्कुल आधी हो जाती है, आधी से भी कम हो जाती है। और जो पालक है अभी हमारे पूरी तरीके से नहीं पके हैं तो मैं इन्हें ढक करके फिर से पकाऊंगी। तो अब मैं इन्हें मीडियम फ्लेम पे ढकूंगी। 6 मिनट हो गया है और अब मैं इन्हें खोल करके चेक कर लूँगी। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पानी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जल गए हैं और जो हमारे पालक की क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। और अब हम ये और अब हम आलूओं को चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे आलू भी अच्छी तरीके से गल गए हैं। तो बस हमारा जो पालक है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुका है। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।